दस की दस लोकसभा की सीटें फिर नरेंद्र मोदी जी के पास पहुंचा करके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगी और हरियाणा के अंदर मनोहर लाल जी के नेतृत्व में तीसरी बार ये डबल इंजन की सरकार वो बनने जा रही है। एमपी साहब, आज पहला ही जो चंडीगढ़ का चुनाव था महापौर का, पहली विकेट टूट गई है गठबंधन। देखिए, मैं आज हमारे आदरणीय प्रभारी महोदय जी सुबह मिले थे, वहाँ के वरिष्ठ नेता भी चंडीगढ़ में मिले थे, चुनाव के अंदर जा रहे थे और अभी वहाँ से शुभ संदेश आया है कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने मेयर की पद के ऊपर वो जीत चुके हैं, कब्जा कर लिया है। मैं सभी कार्यकर्ताओं को भी इस जीत की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। दिखाई दे गया साफ महागठबंधन क्या है हरियाणा चंडीगढ़? देखिए, क्योंकि महागठबंधन तो पहले भी उसकी हवा निकल चुकी थी और अब तो, क्योंकि एक कहावत है, मेरे दिल के टुकड़े हुए हजार, एक यहाँ गिरा एक वहाँ गिरा। अभी तो और इलेक्शन की जब डेट जारी होगी तो महागठबंधन इंडी गठबंधन कहीं दिखाई नहीं देगा, सब अपने अपने पाड़े के अंदर दिखाई देंगे, क्योंकि ये भ्रष्टाचार में लिप्त लोग हैं। आप सांसद हैं कुरुक्षेत्र लोकसभा से, किसानों ने एक बार फिर दोबारा दिल्ली कूच का ऐलान किया है कि उनकी जो मांगे थी उसको नहीं माना है, 13 फरवरी से ऐलान किया है दिल्ली कूच करेंगे वो लोग। देखिए, जो किसानों के हित के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने काम किए हैं, मैंने उनका पूरा बखान किया है। इतिहास उठा करके देखिए, 55 साल का आप जागरूक पत्रकार हैं, कांग्रेस का 55 साल का इतिहास उठा करके देखिए कि उन्होंने किसानों के हित में क्या क्या काम किए हैं, नरेंद्र मोदी जी ने 10 वर्षों में क्या काम किए हैं, उसका मैं स्पष्ट रूप से बता चुका हूं। और उसके बाद भी और बहुत सारे ऐसे किसानों के हित में काम है, चाहे ट्रैक्टर के ऊपर सब्सिडी देने की बात है, चाहे किसान पराली न जलाएं, जिसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसकी प्रशंसा की है कि हरियाणा ने पराली प्रबंधन में अच्छा काम किया, उन तक सुविधा पहुंचाने की बात है। लगातार ये सरकार किसान के हित के अंदर कार्य कर रही है, चाहे गन्ने का MSP बढ़ा करके देने का काम है। लगातार आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और हमारी डबल इंजन की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसान हित में काम। आप चुनाव लड़ेंगे कुरुक्षेत्र लोकसभा से? सबसे सस्पेंस, ये पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा और जब तय करेगा तो चुनाव फिर हाई है हम यहाँ। लास्ट सवाल यह है कि आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ईडी ने दोबारा फिर बुलाया था पूछताछ के लिए, क्या कहेंगे? उनका आरोप है कि चुनाव नजदीक है, लोकसभा पे सारा श्रेय बीजेपी लेना चाह रही है। नहीं, देखिए, ये इस प्रकार की जो दुष्प्रचार करते हैं, ईडी अपने तरीके से काम कर रही है, कोई भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं, और भी बहुत सारे हरियाणा के अंदर लोगों के ऊपर ईडी कार्रवाई कर चुकी है, जहां उनको लगता है, क्योंकि स्वतंत्र एजेंसी है, कि यहां भ्रष्टाचार हुआ है तो बताना पड़ेगा उन लोगों को। अगर किसी को ईडी बुलाती है तो स्पष्ट रूप से बताए कि यहाँ जो उन्होंने शंका जाहिर की है, जहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ है, जहाँ घोटाला हुआ है, उसके बारे में स्पष्ट तो करना पड़ेगा, और अगर स्पष्ट नहीं करेंगे तो कार्रवाई तो होगी, फिर कार्रवाई को कौन रोकेगा? केजरीवाल जींद पहुँचते हैं, कहते हैं मैं लाखों बिल लेके आया हूँ, बिल माफ करेंगे, हमारी सरकार आएगी हरियाणा। देखिए, केजरीवाल साहब भ्रष्टाचार कांग्रेस से भी 2 कदम आगे निकला भ्रष्टाचार के अंदर, और वो फ्री की रेवड़ियां देने का काम वो करता है, फ्री की रेवड़ियों से ही वो सोचता है कि हम सत्ता के अंदर आ जाएं। परंतु लोग आज देख रहे हैं, मैं ये भी देख रहा हूं, आज एक चैनल के ऊपर उनके प्रदेश अध्यक्ष प्रभारी आम आदमी के सुशील गुप्ता जी थे, मैंने स्पष्ट किया है कि आपके दिल्ली के अंदर आप बोलते हैं कि हमने एजुकेशन में अच्छा काम किया है, ये चैनल के ऊपर की बात है, आप श्वेत पत्र जारी करें, दिल्ली के अंदर 600 स्कूल हैं, मात्र 600 स्कूलों में से कितनों को आपने उसको मॉडल के रूप में बनाया है, हरियाणा के अंदर हर जिला के अंदर जो मॉडल संस्कृत स्कूल बने हैं, PM श्री स्कूल बने हैं, और उसका और जो एजुकेशन हरियाणा के अंदर बच्चों को दी जा रही है, वो एजुकेशन आज प्राइवेट स्कूल से भी बेहतर आज सरकारी स्कूलों के अंदर देने का काम ये हमारी डबल इंजन की सरकार कर रही है। वो तो खाली झूठ की रेवड़ियां बांटता है, वो लोग उसका सहयोग नहीं करते, भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त है, उसके मंत्री अंदर पड़े हैं, पंजाब के अंदर पड़े हैं, और वो तो
खाली रेवड़ी बांट करके लूटने के लिए वो बात करता है, बाकी उसका कुछ नहीं। बजट आ रहा है कुरुक्षेत्र के लिए, कुछ खास रहेगा? देखिए सप्लीमेंट्री बजट है और हमने लगातार जो लोगों के इस क्षेत्र की मांगे थी, जब भी हमें लगातार हर बार समय मिलता था, मजबूती से हम इस क्षेत्र के लोगों की आवाज़ को लोकसभा के अंदर मजबूती से हमने रखी है, सरकार के ध्यान में लगाई है, उसके परिणाम भी आए हैं, उसके परिणाम भी देखने को मिले हैं। आगे भी लगातार जब अगर सेवा करने का अवसर मिलेगा तो लोगों की मांग को ऐसे ही हम उठाते रहेंगे और उनकी समस्याओं का समाधान सरकार के माध्यम से कराएंगे। थैंक यू सर। रोडवेज को लेके जो सड़कें हैं उसका जो...